बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज का शुद्ध कर्ज 17% बढ़ा, कर्ज बढ़कर 6,174 करोड़ पर। 1500 कर्मचारी की छटनी करेगी स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई में इस साल होने वाली यह होगी तीसरी छटनी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस एयरलाइन प्रबंधन और चालक दल के सदस्यों के बीच कुछ विवादों के संबंध में नियमों के कथित उल्लंघन के लिए भेजा गया है। चालक दल के कई सदस्यों ने यात्रा से पहले विश्राम के दौरान कमरा साझा करने को लेकर चिंताएं जताई है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे भी हैं। इस संबंध में श्रम विभाग के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी और मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार सुलह के अधीन है। इस संबंध में एयर इंडिया एक्सप्रेस से पूछा गया, लेकिन वहां से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है। परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कंपनी एलन करियर इंस्टीट्यूट ने एआई आधारित मंच डाउनलोड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक एलन ने डाउनलेट को 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 83 करोड़ रुपए में खरीदा है। एलन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार विश्वस्तरीय मंच तैयार करने के लिए डाउनलेट का दल एलन के साथ आएगा। यह रणनीतिक कदम छात्रों के सीखने की क्षमताओं को निखारने पर केंद्रित प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण समाधान बनाने की एलन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गीत संगीत की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवा देने वाली कंपनी स्पॉटिफाई अपनी लागत कम करने और लाभ की स्थिति में पहुंचने के लिए दुनिया भर में लगभग 1500 कर्मचारियों की छटनी करेगी। यह स्पॉटिफाई में इस साल होने वाली तीसरी छटनी होगी। इसके पहले जनवरी में करीब 6% कर्मचारियों और जून में 2% कर्मचारियों की छटनी करने की घोषणा की गयी थी। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज का शुद्ध कर्ज जुलाई सितंबर तिमाही में 17% बढ़कर 6,174 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने बताया कि भूखंड अधिग्रहण के लिए वित्त जुटाने के क्रम में उस पर कर्ज बढ़ा। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक निवेशक प्रस्तुति में बताया कि उसका शुद्ध कर्ज 30 सितंबर 2023 तक 6,174 करोड़ रुपए था। यह आंकड़ा 30 जून 2023 को 5,298 करोड़ रुपए और बीते वित्त वर्ष के अंत में 3,649 करोड़ रुपए था। गोदरेज प्रॉपर्टीज के कार्यकारी चेयरपर्सन फिरोज शाह गोदरेज ने पिछले महीने कहा था कि अप्रैल 2023 से तेजी से किए गए भूमि अधिग्रहण के कारण शुद्ध कर्ज बढ़ गया है। जापान की इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाने वाली कंपनी टीडीके कॉर्प भारत में एप्पल आईफोन के लिए लिथियम आयन बैटरी सेल्स बनाएगी। एप्पल बीते कुछ वर्षों में भारत में अपने विनिर्माण गतिविधियों में तेजी से विस्तार कर रहा है। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि टीडीके उत्तरी राज्य हरियाणा में अपनी विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। इससे करीब 1000 नए लोगों को रोजगार मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा में टीडीके की ओर से तैयार सेल्स एप्पल की लिथियम आयन बैटरी असेंबलर सनवोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सप्लाई की जाएगी। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज का शुद्ध कर्ज 17% बढ़ा, कर्ज बढ़कर 6,174 करोड़ पर। 1500 कर्मचारी की छटनी करेगी स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई में इस साल होने वाली यह होगी तीसरी छटनी। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।